अरे बुजुर्गो, माताओं, भाई और बहनों, हम सब जो प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं, हम सबकी यही कोशिश होती है कि जो जिंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है, वो हम सबके लिए पूरा हो। अपने मकसद को पूरा करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, इसी खोज में हम सब कुछ न कुछ ज्ञान पाते रहते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, उनकी जिंदगी की ओर जब हम ध्यान देते हैं, तो कई चीजें हैं जो कि हमारे सामने खुलकर आती हैं। वो कैसे जीते थे, किस किस्म की जिंदगी उनकी थी, और कैसे वो औरों के साथ बर्ताव करते थे, इन सब चीजों की ओर ध्यान देकर हम भी अपनी जिंदगी उनके जैसी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी महापुरुषों की जिंदगी के जैसे होगी, तो फिर हम भी अपने मकसद को पूरा जरूर कर पाएंगे। तो जब हम उनकी जिंदगी की ओर देखते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं जो कॉमन है। सबसे पहली तो ये है कि उन सब ने बहुत अभ्यास किया। जहां जहां वो रहते थे, जिस जिस माहौल में थे, उन्होंने अपने आप को शांत अवस्था में पहुंचाया और प्रभु की नजदीकी पाई। तो जो सबसे पहली चीज है, जो जरूरी है, वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। ये जाने के जितना ज्यादा भजन सिमरन करेंगे, उतना ही हम प्रभु की नजदीकी पाएंगे। प्रभु हमसे दूर नहीं, प्रभु हमारे अंग संग हैं, उनसे और कोई हमारे नजदीक नहीं। तो जो भी दीवारें हैं जो हमें प्रभु से रोकती हैं, जो मन के जरिए हमारे सामने पड़ी हुई हैं, उन दीवारों को अगर हमने पार करना है, तो हमें अभ्यास करना होगा, रोजाना करना होगा, बाकायदगी से करना होगा, ताकि हम अपने मकसद की ओर तेजी से बढ़ पाए। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जो फरमा गए हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, वो कम से कम हम अभ्यास दें। वो ज्यादा से ज्यादा नहीं है, वो कम से कम है। अगर उससे ज्यादा दे सकें तो और भी बेहतर है। तो वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, ये जरूरी है कि हम रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करें। अगर एक ही सेशन में हम कट्ठा लंबा ना बैठ पाए, तो उसको हम दो तीन सेक्शन में भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि हम भजन अभ्यास में दें। जब शरीर शांत हो और मन को हम सिमरन के जरिए शांत कर पाए। एक दूसरी चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, उनकी जिंदगी में निष्काम सेवा भाव का बहुत बड़ा हाथ था। केयरिंग एंड शेयरिंग, कि हम किसी की संभाल कर पाए, उनकी तकलीफ को दूर कर पाए, उनके दुख दर्द को दूर कर पाए, और जो प्रभु ने हमें देने दी हैं, उनको हम औरों के साथ बांट सकें। वो दोनों किसी भी दायरे में हो सकती हैं। अगर शरीर तंदुरुस्त है, तो शारीरिक रूप से किसी की मदद करें।
अगर हमारा दिमाग तेज, हमारी इंटेलिजेंस दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उसका फायदा औरों तक पहुंचाएं। अगर हम औरों के दुख दर्द में उन्हें सहानुभूति दे सकते हैं, तो फिर अपनी जिंदगी ऐसी करें कि किसी के दर्द को हम सुन पाए। तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि हम देखें कि हम औरों की मदद कैसे करें और हर समय तैयार रहें कि कोई भी तकलीफ किसी और को हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को जो रिश्ते नाते हैं उनमें अनबन होती है, उसकी जिनको समझ है उन्हें मदद करें, ताकि जो इंसान तकलीफ में से गुजर रहा है उसे ये ना लगे कि वो अकेला है। वो जाने कि उसको मदद करने वाला कोई है। और जब सही मायने में हम देखते हैं तो मदद तो सिर्फ एक पिता परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो अगर हम अपना हाथ बढ़ाते हैं किसी को मदद करने के लिए, तो वो फिर प्रभु का हाथ बढ़ रहा है। अगर हमारे पांव बढ़ते हैं किसी की मदद करने के लिए, तो प्रभु के पांव बढ़ रहे हैं। अगर हम किसी को दिल से मदद करना चाहते हैं, तो प्रभु का दिल है जो उनके लिए खुल रहा है। पिता परमेश्वर जब किसी को मदद करना चाहते हैं, तो वो हम इंसानों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने आप को उस अवस्था में करें कि जब जहां जहां मदद चाहिए वहां वहां हम तैयार हों मदद करने के लिए। एक मुहावरा है कि इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव, कि जब हम कुछ देते हैं किसी को, चाहे किसी भी किस्म की चीज हो, किसी किस्म मदद हो, तो हमें बहुत फायदा होता है। वो फायदा हमारी रूह को होता है, वो फायदा हमें ऐसा होता है कि हमें प्रभु की नजदीकी मिले। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपनी जिंदगी पहले एक शिष्य के रूप में गुजारी, और जो एक शिष्य जिन चीजों से गुजरता है, जिन हालातों से गुजरता है, जो उसकी जिंदगी में होता है, उन सब का अनुभव संत दर्शन सिंह जी महाराज ने किया। यहां तक कि वो दर्द जब किसी की फैमिली में लगे कि उनके पिता उनसे दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत के कार्य को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने संत दर्शन सिंह जी महाराज को बुला के यही कहा कि बेटा, मुझे ये हुक्म हुआ है हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का कि मैं इस काम को बढ़ाऊं, तो इसमें तुम्हारी मदद चाहिए कि अब मैं घर बार की किसी चीज में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, कि अपनी माता जी को और अपने परिवार को तुमने संभालना। तो वो जो दर्द इंसान के अंदर होता है जब उनके बड़े नजदीकी, चाहे उनके माँ बाप हों, चाहे बाल बच्चे हों, चाहे पति पत्नी हों, उनसे अलग होते हैं, और जब ये मालूम हो जाए कि अपने ही पिताजी को मिलने के लिए लाखों की संख्या में खड़ा होना पड़ेगा, तो वो कोई आसान काम नहीं है, किसी के लिए आसान नहीं है। तो वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ना, जो बहुत से पहलुओं में से गुजरे, शारीरिक तकलीफ क्या होती है वो पहलू भी उनकी जिंदगी में आया, अपनों से दूर होना वो पहलू भी उनकी जिंदगी में आया। तो जो अनुभव उनको हुए जैसे जैसे वो अलग अलग पहलुओं में से गुजरे, उनके बारे ही उन्होंने लिखा हुआ है। इस करके हम जब भी संत दर्शन सिंह जी महाराज
कि लिखे हुए वचनों को पढ़ते हैं, उनकी लिखी हुई गजलों को सुनते हैं, जो उनके शेर हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो सिर्फ लफ्ज नहीं है, वो जो उनके अनुभव हुए थे वही वो हमें दर्शा रहे हैं। ताकि हम सब जो इस दुनिया में जीते, कई तकलीफों में से गुजरते हैं, किसी को खुद शारीरिक कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किसी को दमे की बीमारी, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी का किडनी काम नहीं कर रहा, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम, किसी के घुटने नहीं चल रहे, तरह तरह की प्रॉब्लम सबको होनी शुरू हो जाती है। और उसका दर्द और उसकी तकलीफ सोचते, जिसको सांस ना सही तरीके से आए इंसान बेचारा जीता कैसे होगा। तो जब तक आप उस अवस्था में नहीं होगे आपको समझ में नहीं आएगा कि उसकी हालत कैसी होगी। ऐसे ही जिंदगी में बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें खाने पीने के लिए बड़ी मुश्किल पड़ती है, उन्हें यही समझ में नहीं आता कि अगला मील कहाँ से आएगा। और अगर इस शरीर को आप खुराक ना दे सकें तो आप सोचते थे कितनी तकलीफ में वो इंसान और उसका परिवार होता होगा। और बहुत सी तकलीफें हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, जिसका दुख दर्द हमें अपनी मंजिल की ओर जाने से रोक देता है। तो जब इंसान तकलीफ में होता है उसे रोशनी दिखाई नहीं देती, वो सोचना शुरू कर देता है कि ये तकलीफ कभी जाएगी नहीं, और उसकी जिंदगी में और अंधेरा और अंधेरा और अंधेरा आना शुरू। तो जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी को देखते हैं, जब हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी को देखते हैं, क्योंकि इन दो महापुरुषों को हम में से बहुत लोगों ने शारीरिक रूप में देखा है, तो हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी हम सबकी मदद के लिए कैसे तैयार रहती थी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज तो छोटी सी उम्र से ही हॉस्पिटल में जाके मरीजों की मदद किया करते थे। प्लेग के टाइम में जबकि रिश्तेदार भी अपने नजदीकियों की संभाल नहीं कर पाते थे, उनके नजदीक नहीं जाते थे, उनको खतरा होता था हमें प्लेग हो जाएगा, तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने नौजवानों की टीम बना के लोगों को मदद की, ये फिक्र नहीं किया कि उनको प्लेग हो जाएगा। और ऐसे ही हम देखते हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी में कि कहे कोई इंसान सुबह 2 बजे उनको मिलने आ रहा है, 3 बजे मिलने आ रहा है, 1 बजे आ रहा है मिलने है। वो हर समय तैयार रहते थे हमारे दुख दर्दों को सुनने के लिए और उसका हल देने के लिए। हम सब अपनी तकलीफें लेके जब उनके पास जाते थे तो बड़े मायूस सी अवस्था में जाते थे, लेकिन जैसे उनको मिलके वापस आते थे सबके मुंह खिले हुए होते थे कि उन्होंने हमारे दुख दर्द को हरण कर लिया, उनको दूर कर दिया। तो जब ऐसे महापुरुषों की जिंदगी की ओर हम ध्यान देते हैं तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि हम भी उनके माफक बनने की कोशिश करें, चाहे 1% करें, चाहे 2% करें, चाहे 3% करें, चाहे 4% करें, 100% तो करना ही बड़ा मुश्किल है, जितना भी ज्यादा कर सकते हैं करें, ताकि हमारी जिंदगी भी सफल हो, ताकि जो रास्ता ये महापुरुष हमें दिखा गए हैं उस रास्ते पर हम तेजी से चल पाए। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर में इसी पहलू को खोल के समझाया है कि जब दुख दर्द होते हैं उन्हें अगर दूर करना है तो तरीका क्या है, ताकि वो पीढ़ियां जो कई हजारों सालों तक आती रहेंगी जब इन लफ्जों को सुनेंगी पढ़ेंगी तो उन्हें भी एक रास्ता दिखाई देगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज शेर में फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। तो जो पहली लाइन है शेर की, उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि उन्होंने हर इंसान के दुख दर्द को अपने कंधों पर उठाया,
उनकी उधर मदद करी, अपनी जिंदगी में हर एक की मदद पूरे तरीके से करने की कोशिश की। कई एग्जाम्पल्स लाइफ में मिलते हैं कि कैसे जब हम करुणा से जीते हैं, कंपैशन से जीते हैं, तो हम किसी इंसान की जिसको बहुत तकलीफ हो रहा है उसकी जिंदगी में रोशनी कैसे ले आते हैं। एक वाक्य वर्ल्ड वॉर टू के थोड़ी देर बाद का है। आप में से जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी देखा होगा वर्ल्ड वॉर टू में बहुत खराबी हुई, बड़े लोगों की जाने गई। तो ये जो वाक्य है एक अमेरिकन सोल्जर की जिंदगी का वाक्य, उसे यूरोप में भेजा गया जहाँ लड़ाई हो रही थी। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो सब लोग अपना सामान पैक करके अपने घर को वापस जा रहे थे, तो अपनी जीप में एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। तो जैसे लाइट्स आती हैं कि रेड लाइट आती है जीप रुकनी पड़ती है, तो कहीं रेड लाइट आई तो उसकी जीप रुकी। तो उसने देखा कि वहां कोने पर एक बेकरी की दुकान थी, जहां पर बेकरी की दुकान पर तो केक्स पेस्ट्री कुकीज तरह तरह की चीजें पड़ी हुई होती हैं। जब उसका ध्यान वहां गया तो उसने देखा कि छोटा सा बच्चा बेकरी की जो विंडो थी वहां से अंदर देख रहा है। जब उसका ध्यान बच्चे की ओर गया तो देखा कि उसके कपड़े फटे हुए थे और हालत बहुत उसको खराब से लगी। तो उसको लगा कि उसके दिल में आया कि मैं इसकी मदद करूं। तो उसने कार जाकर बेकरी के सामने रोकी और कार में से निकला तो बच्चे से पूछा कि बेटे तुम, छोटा सा बच्चा था, तुम यहाँ अकेले घूम रहे हो, तुम्हारे माँ बाप साथ में नहीं है? तो बच्चे ने कहा कि मेरे माँ बाप दोनों की मौत ये वर्ल्ड वॉर टू में हो गई है, अब मैं अकेला हूं। तो सोल्जर का दिल और खराब हुआ। तो जब बच्चे को उसने देखा अंदर देखा तो कहा तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें कुछ खाना है इसमें से? तो बच्चे ने कहा हाँ मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने का, पर मेरे पास तो कोई पैसे है नहीं खाने के लिए। तो सोल्जर ने उसको कहा अच्छा यहाँ तुम खड़े रहो। वो अंदर गया, मैं एक डजन कुछ पेस्ट्रीज अलग अलग चीजें लेके एक डब्बे में लेके आया और बच्चे को दी ताकि उसकी भूख मिट सके। जैसे वो जा रहा था उसको देखकर और जब अपनी जीप की ओर जा रहा था तो देखा कि उसके कपड़े को बच्चे ने पीछे से खींचा और उसने इंग्लिश में कहा कि सर आर यू गॉड? तो उसने कहा कि आप क्या पिता परमेश्वर हैं? तब उस सोल्जर को लगा कि देखो ये बच्चे की के अंदर क्या भाव होंगे। वो शायद प्रभु को प्रार्थना कर रहा था कि मैं कुछ खा सकूं, और जब दिल से इंसान प्रार्थना करता है तो प्रभु जरूर उसका जवाब देते हैं। हम लोग बहुत सी बार सोचते हैं ना हम प्रार्थना कर रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं कई बार ये मिलता नहीं, तो हम सोचते हो पिता परमेश्वर तो बहुत बिजी होंगे, उनको हमारा ख्याल ही नहीं आ रहा, पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर को मालूम है हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पर है, कहाँ पर जाना है। उन्हें मालूम है हमारे लिए बेहतर क्या, अच्छा क्या है, और वो हमें जो हमारे लिए बेहतर है वही देते हैं। और जब हम बड़े दिल से प्रार्थना करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो किसी की मदद करना, चाहे हम उन्हें जानते हों चाहे ना जानते हों, उस भाव से जब इंसान जीता है तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहां समझा रहे हैं कि आदमी का दुख उड़ाया, उनकी जिंदगी में देखें तो तरह तरह के लोग उनके पास आते थे। कोई आता था मुझे शरीरी कोई बीमारी, कोई कहता मेरे माँ बाप को बीमारी है, किसी के रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम है, कोई आता था कि वो मेरी नौकरी छूट गई, कोई माँ बाप आते थे हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, कई कपल आते थे जिनकी शादी हो गई हमारे बच्चे नहीं हो रहे, कई आते थे कि हमारी अनबन हो गई है फैमिली में,
भाई भाई से दूर हो गया है, फैमिली में तनाव आ गया है, तरह तरह के किस्म की तकलीफों से लोग आते थे। और कई भाई बहन आते थे कि हमें प्रभु की नजदीकी चाहिए, हम रूहानी रास्ते पर तरक्की करना चाहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हर एक इंसान की मदद करते थे। तो उन्होंने इस शेर में ही फरमाया कि आदमी का दुख उठाया। अब दुख उठाया कैसे, कि प्यार दुनिया से किया। तरीका बता रहे हैं कि किसी का दुख दर्द हम कैसे उठा सकते हैं, कि हम उनसे प्यार करें। हम जाने कि उनके अंदर भी प्रभु बस रहे हैं, हम जाने कि हम उनसे अलग नहीं, हम जाने कि हम उनसे एक में एक हैं, और हम दिलो जान से उनसे प्रेम करें, प्यार करें। जब हम प्यार का रास्ता अख्तियार करते हैं तो फिर हर एक जगह हरियाली हरियाली है, खूबसूरती खूबसूरती है, खुशियां खुशियां हैं, आनंद ही आनंद। जहां प्रेम होगा वहां कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और अगर लगे कि बाहरी ओर से तकलीफ आई है तो वो भी हट जाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें, हम सबको वो रास्ता दिखा रहे हैं जिसके जरिए हम दुनिया के दुख दर्द को दूर कर पाएंगे, कि प्यार दुनिया से किया, कि हमारे अंदर सबके लिए प्यार की भावना हो। वो कैसे होगी, जब हम अभ्यास करेंगे, जब हम मेडिटेट करेंगे, जब हम भजन सिमरन करेंगे, तो हमारे अंदर जो प्रभु की ज्योति और श्रुति उसका हमें अनुभव होगा। जब उसका हमें अनुभव होगा तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि जैसे हम प्रभु के जाति रूप का अनुभव कर रहे हैं वैसे और भी कर रहे हैं, तो कोई और नहीं, सब अपने ही है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। तो अगर आप महापुरुषों की जिंदगी देखो, कर कर आके यही आता है कि सबसे प्यार किया जाए। कर कर आके जो सबसे जरूरी चीज है वो है भजन अभ्यास करना, क्योंकि प्यार कैसे किसे करें। जब तक हम अपने आप को प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं पाएंगे, तब तक हम किसी और को प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं पा सकते, तब तक हम और किसी से जुड़ ही नहीं सकते। तो जो सबसे बेसिक चीज है जो करने की है, वो अपने अंदर प्रभु का अनुभव करने की जरूरत है। जिस इंसान ने प्रभु का अनुभव कर लिया उसकी जिंदगी सफल हो गई, उसके अंदर ये एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया कि पिता परमेश्वर हैं, उसके अंग संग हैं, उसके अंदर हैं, वो उनको जान सकता है, उनको पहचान सकता है। और फिर उसको ये भी समझ आ जाती है कि मेरे अंदर अगर हैं पिता परमेश्वर, कि औरों के अंदर क्यों नहीं होंगे, और सबके अंदर है, फिर हमारा नजरिया बदल जाता है दुनिया को देखने का, औरों से मिलने का। हमारे अंदर फिर जब भी हम किसी से मिलते हैं प्रेम के भाव जागृत होते, हमारे अंदर सबके लिए प्यार उमड़ना शुरू हो जाता है, और हम हर एक की मदद के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि जब इंसान किसी को प्यार करता है तो वो उसका मददगार होता है, वो नहीं चाहता कि जिससे वो प्यार करता है उसको कोई तकलीफ हो, वो चाहता है कि जिससे वो प्यार करता है उसकी जिंदगी आराम से गुजरे। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। तो हमें समझा रहे हैं कि उनको अपने अंदर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर से, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया मेहर से प्रभु के अनुभव हुए, उनके अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत हुआ, और उसके करके उनके अंदर हर एक जीव के लिए प्रेम जागृत हो गया। और जब हर एक जीव के लिए प्रेम जागृत हो गया, उन्होंने हर एक को अपना ही समझा, और जब हर एक को अपना समझा तो उनके दुख दर्द में मदद की, हिस्सा लिया, ताकि औरों की जिंदगी सफल हो। और वो चाहते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी ऐसे बनाए, इसीलिए वो लिखे गए ऐसा।
हमें समझाने के लिए कि कैसे हम अपनी जिंदगी को जिए, किस तरीके से हम जिए ताकि हम अपने मकसद की ओर बढ़ सके। और इस शेर की दूसरी लाइन में संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोष, कि जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोष। तो संदर्शन सिंह जी महाराज पहले तो समझा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोष। तो समझा रहे हैं कि पूरी मेरी जान से, पूरे मेरे दिल से, हर एक सांस में मैं पूरी जिंदगी भर जो काम मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। जब महापुरुष दोस्तों की बात करते हैं तो वो फिर या तो अपने सद्गुरु की बात कर रहे होते हैं या पिता परमेश्वर की बात कर रहे होते हैं। और पिता परमेश्वर का काम क्या है हम सबके लिए? और तो बहुत से काम है जो हमारी समझ के दायरे से ही बाहर हैं, पर हम सबके लिए पिता परमेश्वर का क्या काम है? कि हम में प्यार जागृत हो, हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें और हम अपनी आत्मा को उस प्रेम से भरपूर करके प्रभु की ओर बढ़े ताकि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में। प्रभु यही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें मानव चोला दिया। जो 84 लाख जिया जो उनकी जो सबसे उत्तम चोला है, जो सबसे बेहतर चोला वो हम सबको दिया है, इसलिए कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पा सकें और प्रभु से एक में हो सके। तो यही काम पिता परमेश्वर का है और यही काम वो संतों महापुरुषों को करने के लिए भेजते हैं। एक जगह और फारसी में संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, जिसका इंग्लिश में उन्होंने कुछ ट्रांसलेशन किया कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलावड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव, कि मेरा इस दुनिया में अपने सदगुरु के सिवाय या पिता परमेश्वर के सिवाय कोई दोस्त नहीं। हम जो सोचते हैं ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, वो सब दुनिया की चीजों के लिए हैं। वो हमें जो असली काम है जिसके लिए हम यहाँ भेजे गए हैं, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से, उसमें वो मदद नहीं कर सकते। तो उनका कि इस दुनिया में मेरा अपने सदगुरु के सिवाय या पिता परमेश्वर के सिवाय उन्हीं को दोस्त कहा है, कोई मेरा दोस्त नहीं, और उन्हें प्यार करने के सिवा मेरा काम ही नहीं है कुछ। बार 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 महापुरुष हमें समझाते कि प्रभु से प्रेम करो। हर एक धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। बार 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 वहां पर समझे, यही यहाँ दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोष, कि जो काम मुझे पिता परमेश्वर ने या मेरे सदगुरु ने मुझे करने के लिए दिया वो मैं पूरी जिंदगी भर हर पल हर क्षण अपनी पूरी हिम्मत से करता रहा। ये संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं। एक जगह और उन्होंने फरमाया है कि वो कौन थे, उनका रिश्ता नाता क्या था इसी दोस्ती के बारे में प्रभु के साथ। तो फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, यहाँ प्रभु को यार बुला हुआ है कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा। कि पिता परमेश्वर के अंग संग थे, प्रभु के साथ तो जो होगा वो तो अनंत की अवस्था में जी रहा है, ना कोई फिक्र, ना कोई फाका, ना कोई तकलीफ, ना कोई डर। आधी जिंदगी तो इंसान की आधी का, बहुत सी जिंदगी तो डर में ही गुजर जाती है। कोई इस चीज से डरता है, कोई इस चीज से डरता है, कोई डरता है ओहो अब हम बड़े हो रहे हैं हमारे बच्चे हमारा ख्याल करेंगे कि नहीं, कोई डरता है कि कल को मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं, कोई डर रहा हो
मेरे बच्चों की उम्र हो रही है ज्यादा, इनकी शादी होगी कि नहीं, कोई कह रहा हो शादी में 10-15 साल हो गए, बच्चे होंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ डर हरे को लगा हुआ है। जो प्रभु की नजदीकी पाता है उसको क्या डर है, उसको कोई फिक्र है ही नहीं, पिता परमेश्वर है ना सब कुछ करने के लिए, उनके अंग संग तो खुशियां ही खुशियां हैं, उनके अंग संग तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। तो फरमा रहे के लौट आए यार के दर से, तो वहां से कौन आना चाहेगा, कोई भी नहीं आना चाहेगा। जो खुशियां मना रहा हो, जो आनंद की अवस्था में हो, उसको क्या लोड़ा यहाँ आके इस दुनिया में आने की। बट आए क्योंकि वक्त ने जब हमें पुकारा कि जब यहां जरूरत पड़ गई, जब देखा कि कोई तकलीफ में है, उसको मदद करने के लिए ही ऐसे महापुरुष यहाँ धरती पर आते हैं। तो वो प्रभु का काम करने के लिए आते हैं। प्रभु का काम क्या है? सब में प्रेम को जागृत करना। जब हम अभ्यास करते हैं, अंदर में प्रभु की ज्योति और शुद्धि के दर्शन करते हैं, तो हमारा लगाव पिता परमेश्वर से बढ़ता चल जाता है, हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम बढ़ता है, हमें आनंद मिलता है, हम बार बार उस अवस्था में जाना चाहते हैं, प्रभु के प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं अपने अंदर। और जब प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे तो औरों से भी प्रेम जागृत होगा। और जब ऐसी जिंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सबसे जरूरी है अभ्यास करना, क्योंकि तो जब तक तो अभ्यास नहीं किया प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं होगा। जब अभ्यास करेंगे प्रभु के प्रेम का अनुभव होगा, जब प्रभु के प्रेम का अनुभव होगा ये रियलाइजेशन होगी कि पिता परमेश्वर सिर्फ हम में ही नहीं बल्कि सबके अंदर है, तो औरों से प्रेम जागृत होगा। जब औरों से प्रेम जागृत होगा अपनी जिंदगी बनानी शुरू करनी, जिसमें औरों के मददगार होंगे, ताकि औरों की जिंदगी भी बेहतर हो। और जब सबकी जिंदगी बेहतर होने शुरू हो जाएगी तो फिर शांति शांति होगी, आनंद ही आनंद होगा, प्रेम ही प्रेम सब तरह होगा, और हम सब अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहां भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, ये जो आई बॉल्स हैं आंखों को डेलें सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी जिंदगी में ढलें। ये महापुरुष इतनी दया मेर करें कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो, हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम और दिन ब दिन बढ़ता चला जाए, और उनके प्रेम में हमारी जिंदगी अपने मकसद की ओर बढ़े। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।